रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप पहला सबक जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम अपनी किताब का दूसरा सबक जिसका उन्वान है तश्कील पाकिस्तान, वो शुरू करेंगे। लेकिन तश्कील पाकिस्तान शुरू करने से पहले एक बात जो है आप पे वाज़े करना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस सबक को पढ़ते हुए बोरियत महसूस करते हैं, क्योंकि ये एक तवील सबक है, और फिर ख़ास तौर पे कहते हैं कि पूरे का पूरा मुतालिया पाकिस्तान जो है वो इसमें समो दिया गया है। लेकिन सबक का उन्वान देखें, तश्कील पाकिस्तान। तश्कील पाकिस्तान का मायनी होता है किसी चीज़ को बनाना, उसकी सूरत गरी करना। तो इसके अहम तकाजे यही थे कि पाकिस्तान की तारीख को जिस तरह अदीब मियां बशीर अहमद हैं उन्होंने इसमें समोया है, ये उन्हीं का कमाल है, क्योंकि 300 साल पर मुहित ये तारीख है जिसे मुख्तसरन जो है वो बयान कर दिया गया है। तो लिहाजा इसमें दिलचस्पी का अंसर होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी तारीख से आगाह जो है वो होना चाहिए। इसलिए हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। आज जो पहला हिस्सा है वो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, मुसन्नफ़ का तारीफ़ है यहाँ पे एक चीज़ जो है मियाँ बशीर अहमद। जी, तो मियाँ बशीर अहमद जो है वो इस सबक के मुसन्नफ़ हैं। 1893 से 1971 तक, यानी कि 1893 में आपकी पैदाइश हुई, 1971 में आपका इंतकाल होता है। तहरीक पाकिस्तान के नामवर कारकन हैं। कायद आज़म के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। आपके वालिद शाहदीन हुमायूँ इल्म व अदब से लगाव रखते थे, यही वजह थी कि आपको भी इल्म व अदब से गहरा शगफ था। हुमायूँ रसाला जो है, अदबी रसाला आपने जारी किया, और कायद आज़म के लिए एक नज़्म लिखी जो कि बहुत मकबूल हुई, जिसका पहला शेर जो है आप सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। मिल्लत का पासबाँ है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जना। ये आपकी एक तवील नज़्म थी जो आपने अकीदत के लिए कायद आज़म के लिए लिखी, और ये नज़्म जो है बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, ख़ास तौर पे 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई। उस प्लेटफार्म पे जब कायद आज़म ने वहाँ पे खुतबा सदारत दिया, तो स्टेट सेक्रेटरी के जो इंतज़ाम थे वो सारे मियाँ बशीर अहमद ने संभाले, और उसी मौका पर आपने ये नज़्म जो है वो पढ़कर सुनाई। जी, तो सबक की तरफ चलते हैं। सबक का तारफ और अहम नकात हैं। पहले बताती चलो, पाकिस्तान के क्याम की तस्वीर कशी है इसमें। ये एक तवील सबक है। बरेसगीर में मुसलमानों की 300 साल तारीख का मुख्तसरन बयान है इसमें, और 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफात के बाद मुस्लिम हुकूमत का शेरासा बिखरने लगा। लेकिन अज़ीज़ तुलबा, 1707 से पहले भी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, वो ये कि 1707 में तो औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि 1526 में बाकायदा तौर पे मुगलिया अहद का आगाज हुआ था, और इसके बानी जो हैं वो हम देखते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर थे। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूँ, हुमायूँ के बाद फिर अकबर। अकबर द ग्रेट से कौन वाकफ़ नहीं है, और ख़ास तौर पे यानी कि इसलिए बताती हूँ ताकि थोड़ी सी तारीख से आगाही और दिलचस्पी जो है वो आपको हो। अकबर के बाद जो है फिर हम देखते हैं कि शाहजहाँ है। शाहजहाँ के बाद जो है फिर उसका बेटा औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब आलमगीर 1707 में जब उसका इंतकाल हुआ, तो मुस्लिम हुकूमत जो है उसका शिरासा जो है वो बिखरने लगा। लेकिन इससे पहले जो बादशाह गुजरे हैं, जो मुगलिया बादशाह हम देखते हैं, उन्होंने बरसगीर के नज़्म व नस्क को बहुत मजबूती से और बहुत उम्दगी से निभाया। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि मुग़ल अहद की तारीख जो है बहुत मजबूत है, बहुत मुस्तहकम रियासत थी। लेकिन उसके बाद में
मुगलिया अहद में हम देखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफात के बाद बाकायदा तौर पर तोड़फोड़ जो है वो शुरू होती है, मुस्लिम हुकूमत का शिराज़ा जो है वो बिखरने लगता है, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो एक ऐसा बादशाह था जिसने बाकायदा तौर पे हुकूमत को बहुत मुस्तहकम किया, लेकिन उसके बाद में भी तकरीबन 150 साल जो है वो मुगलिया अहद की तारीख चलती है, लेकिन वो 150 साल जो है उसका आखिरी बादशाह जो है बहादुर शाह जफर, जहाँ पे 1857 में मुगलिया अहद का इख्तिताम हो जाता है जी। तो 1707 में जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई तो मुस्लिम हुकूमत का शिराज़ा जो है वो बिखरने लगा। अंग्रेज़ की बहसियत ताजर आमद, क्योंकि बरसगीर में अंग्रेज़ जो थे वो ताजर की हैसियत से आए थे, लेकिन हम देखते हैं कि 18वीं सदी में बाकायदा तौर पे उन्होंने मुगलिया हुकूमत को ख़त्म करके हुकूमत पे भी कब्ज़ा कर लिया, और फिर हिंदुस्तान की तारीख हिंदू अक्सरियत और मुस्लिम अकलियत के माबैन तसादम से भरी पड़ी है, और ये तसादम जो है 1857 से शुरू होता है। फिर अंग्रेज़ राज की इब्तदा होती है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो तजारती लिहाज से तो पहले ही बहुत मजबूत था, लेकिन अब हम देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे जो है वो इक्तदार पे भी कब्ज़ा जमाना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन आलमगीर की औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद फिर क्या होता है कि मजहबी और जिद्दत पसंद रहनुमाओं की मजहबी अहिया और माशरती इस्लाह, यहाँ पे हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह और अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पे मुसलमानों के लिए मजहबी और माशरती तौर पर काम करते हैं, उनकी इस्लाह के लिए कोशिशें करते हैं जी। तो ये क्या है कि ये आज़ादी और कायदे आज़म की लाजवाब जदोजहद की दास्तान है, तश्कील पाकिस्तान। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इलामा इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी पेश किया, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को गफलत की नींद से जगाया, क्या में पाकिस्तान 20वीं सदी का अहम वाक़या है। तो अज़ीज़ तुलबा, ये कहना कि ये बोरिंग या एक तवील सबक है, अगर हम अपनी तारीख से आगाह होंगे तो मेरे ख्याल में इसमें बोरियत नहीं, इसमें दिलचस्पी का अंसर है। हम इसको एक मुश्किल तरीन या तवील तरीन सबक की हैसियत से नहीं, बल्कि इसे एक पाकिस्तान की पूरा वाक़या जो है एक कहानी के तौर पर हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है ये पहला हिस्सा जो है सबक का हम, जिसमें मुसन्नफ़ का तारफ़, सबक के अहम नकात और सबक का तारफ़ जो है वो बयान किया, लेकिन अब जो है हम अगला जो है मरहला जो है वो हम सफ़ात के साथ जो है इसका जायज़ा लेंगे। और ये मैं आपको कहती चलूँ, मेरे पास भी यानी कि दरसी कुतब मौजूद है, आप भी अपनी किताब जो है वो सामने रखिए, क्योंकि जब तक आप सबक की रीडिंग नहीं करेंगे, उसे नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे पढ़ाने या समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि किताब आपके सामने होगी, जो कुछ भी मैं आपको वजाहत के साथ बताऊंगी वो आपकी समझ में आता जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अज़ीज़ तुलबा, अपने सामने अपनी किताब रखिए, और किताब का तश्कील पाकिस्तान जो है उसका पेज जो पहला पेज है वो निकालिए, सफ़ा नंबर 1। यहाँ पे अहम नकात जो हैं वो मैंने वाज़े किए हैं, जैसे 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 150 साल बाद तक इस्लामी हुकूमत कायम रही। हम देखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर से पहले जो बादशाह गुजरे हैं उनसे लेके औरंगज़ेब आलमगीर तक जो है वो यानी कि निज़ाम जो है बहुत ही मुस्तहकम रहा, हुकूमत जो है बरसगीर की बहुत मजबूत थी, इस्लामी हुकूमत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है तरक्की कर रही थी। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद सियासी तनाज़ुल जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ जो है तजारत की गरज से पहले ही बरसगीर में बराजमान था, लेकिन अब क्या हुआ कि जहाँ उनको तजारती सरगर्मियों में कामयाबियाँ मिली, वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे इक्तदार पे काबस होना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के तकरीबन 150 साल तक हुकूमत जो है इस्लामी हुकूमत कायम रहती है, लेकिन वो इस्लामी हुकूमत जो है वो नाम की हुकूमत थी। हम उसमें देखते हैं कि हमारे जो मुग़ल बादशाह हैं उनकी कश्तियाँ जो हैं वो डोलती रही थी, यानी कि वो अरूजो जवाल का शिकार रहे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उम्र की ताकत और सितवत 18वीं सदी तक
ख़त्म हो चुकी थी। 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए। 1800 दिल्ली जो है वो एक बेहतरीन शहर था, जहाँ पे तमाम वालियाँ ने हुकूमत जो है वहाँ पे रहाइश पज़ीर थे, बहुत तरक्की याफ्ता भी था, जिसके बारे में मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, बसते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दियार के। तो लिहाजा 1803 में इस दिल्ली पर भी जो है वो अंग्रेज़ जो हैं वो काबस हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हैं उनकी मजहबी अहिया और माशरती इसलाह के लिए उन्होंने कोशिशें की। औरंगज़ेब आलमगीर की वफात के बाद जब इस्लामी सल्तनत जो है उसका शिराज़ा बिखरता है, 1803 में फिर अंग्रेज़ जो हैं दिल्ली में दाखिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे मजहबी उलमा जो हैं और वो बाकायदा तौर पे मुसलमानों के लिए मजहबी अहिया और माशरती इसलाह के लिए कोशिशें करती हैं, जिनमें वाज़ह नाम जो है शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़। शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हैं शाह वलीउल्लाह के फर्जंद हैं। शाह वलीउल्लाह के बाद अगली कोशिशें जो हैं हम देखते हैं, सियासी तनज़ल और माशरती तकरीब के नाजुक वक्त में एक मुसले जो है सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने 1816 से 1831 तक बाकायदा तौर पे मुसलमानों की मजहबी और माशरती इस्लाह के लिए आपने कोशिशें की, आपने बाकायदा तौर पे, हम देखते हैं कि आपने बाकायदा तौर पे सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद किया, उसमें आपको कामयाबी भी हुई और कुछ यानी कि देर तक आपने क्या है शरई हुकूमत जो है वो कायम भी कर ली। लेकिन उसके बाद में हम सैयद अहमद बरेलवी की कोशिशें जो हैं वो भी नाकाम होते हुए देखते हैं। 1826 में सिखों के ख़िलाफ़ मजहबी जहाद की आपने मुहिम शुरू की थी, इसमें आपने कामयाबी हासिल की, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे पठान सरदारों की गद्दारी और तोताचश्मी की वजह से आपकी तमाम कोशिशें जो हैं वो रायगढ़ की। तो यहाँ पे कहा भी जाता है कि मुसलमानों की अपनी मिसाई जो है उनके अपने ही हाथों बर्बाद हो गई। फिर 6 मई 1831 में बालाकोट के मकाम पर आप शहीद हो गए। यहाँ पे देखिए शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अज़ीज़ के बाद जो अगली कोशिशें हैं वो सैयद अहमद बरेलवी की हैं। और इस ज़माने में बिहार में मुसलमानों में फ़्राइसी तहरीक उठी। फ़्राइसी तहरीक, इसका काम जो था वो भी बाकायदा तौर पे ये था कि वो मुसलमान जिनकी हालत जो है वो बयान करने के काबिल नहीं है, उनकी इस्लाह और उनकी मदद जो है वो की जाए। फिर 1837 में फ़ारसी ज़बान अदालतों से ख़ारिज कर दी गई। 1837 में जब फ़ारसी ज़बान अदालतों से ख़ारिज कर दी गई, क्योंकि ये मुसलमानों की अदालती और दरबारी ज़बान थी, लिहाजा मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था जो कि बरेसगीर में उनको पहुँचाया गया। फिर 1857 में मुसलमानों की रही सही इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल गई। ये 1857 जो है ये वही तारीख है जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर दोनों ने अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी के लिए कोशिशें की थी, लेकिन क्या हुआ कि उन कोशिशों में मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो नाकाम हो गए। हिंदू जो थे वो चापलूसी के साथ अंग्रेज़ के साथ मिल गए, उन्हें ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि ये आज़ादी की जो जद्दोजहद थी, आज़ादी की जो कोशिश थी वो सारी की सारी मुसलमानों ने की। तो लिहाजा अंग्रेज़ भी जानता था, लेकिन जब उन्हें हिंदुओं की फेवर मिली तो उन्होंने भी आंखें जो हैं वो बंद कर ली। तो लिहाजा तमाम अताब का निशाना जो है वो मुसलमान बने। 1857 की जंग के बाद हम देखते हैं कि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के अताब का निशाना बने। कौन सा ऐसा जुल्म सितम था जो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर नहीं किया? उन पे उनके मजहबी मदारिस जो हैं, उनकी मसाजद जो हैं, उनके दरवाज़े बंद कर दिए गए, उन्हें गवर्नमेंट मुलाजमतों से निकाल दिया गया, उनके ऊपर तालीम के तमाम दरवाज़े जो हैं वो बंद कर दिए गए, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, उनकी अमलाक, उनकी जायदादें सब की सब छीन ली गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे मुसलमानों को ज़ुदोकोब किया गया, मुसलमानों को मारा गया, बेदरे कत्ल किया गया। वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान के तारीखी अल्फाज
कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने उतरने से पहले मुसलमान का घर ना देखा हो। लेकिन हम फिर देखते हैं कि 1857 में जब मुसलमान जो हैं वो तनज़ल की तरफ जा रहे थे, जब मुसलमान जो है शिकस्त खोर्दा थे, जब मुसलमान अपने तमाम हौसले जो हैं वो हार चुके थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि उम्मत मुसलमान में एक ऐसा यानी कि जो रहनुमा होता है वो हमें नज़र आता है, वो अहम और मुमताज़ रहनुमा जो है सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा कि आने वाले वक्त का तकाजा क्या है, उन पे ये रास मुनकशिफ था कि मुसलमानों को किस तरह इन हालात से निकाला जा सकता है। तो लिहाजा उन्होंने हमा जहती यानी कि हम देखते हैं कसीर जहती प्रोग्राम शुरू किया। उसमें सिर्फ मुसलमानों की तालीम के लिहाज से नहीं, तालीम के लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी और अदबी लिहाज से भी आपने भरपूर कोशिशें की ताकि मुसलमान जो हैं वो दोबारा से यानी कि निशात सानिया जो है वो करें, मीन के असर नो ज़िंदगी का आगाज़ करें। सैयद अहमद बरेलवी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो बेहतरीन मुस्लिम कौम हैं। उन्होंने मुसलमानों को यहाँ पे हमने एक और भी यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सॉरी वो पहले आपको तारफ़ में बता चुकी हूँ, वो ये था कि जिद मजहबी रहनुमा और जिद्दत पसंद रहनुमा। मजहबी रहनुमा में हम शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद बरेलवी को कहते हैं और जिद्दत पसंद रहनुमा हम सर सैयद अहमद ख़ान को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त के बदलते हुए तकासों को पेश नज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर यह कोशिश की कि मुसलमान जो हैं वो इस यानी कि मायूसी के दौर से निकलें और मुसलमान जो हैं वो वक्त की रफ़्तार के साथ तरक्की करें। तो लिहाजा उन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें की। इस मकाम पर डॉक्टर सैयद इशफाक हुसैन कुरैशी ने कहा कि वे उन्होंने मुसलमान कौम को क़ुरून वुस्ता से निकाल कर जदीद दौर में दाखिल कर दिया। ये सारे का सारा काम जो है सर सैयद अहमद ख़ान का है और ये था सबक का पहला सफ़ा। आगे जो सफ़ात हैं उनको हम तरतीब वार पढ़ेंगे, मरहला वार पढ़ेंगे। मेरे ख़्याल में इसमें दिलचस्पी के बहुत सारे पहलू थे, ठीक है, कि हम देखते हैं 1526 में बाकायदा तौर पे मुग़ल अहद का आगाज़ होता है, उसमें बाबर है, हमायूं है, अकबर है, शाहजहां है, औरंगज़ेब आलमगीर है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात से हमारा सबक जो है वो स्टार्ट होता है, मीन के मुसलमान हुकूमत जो है बाकायदा तौर पे उसका शेराज़ा जो है वो बिखर जाता है। कहने को तो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 150 साल बाद तक भी ये हुकूमत कायम रहती है, लेकिन क्या है कि टूटी हुई, डोलती हुई, डूबती हुई अरूज व ज़वाल का शिकार रही और ये अरूज अपने यानी कि ये ज़वाल जो है अपने इख्तिताम को 1857 में पहुँचता है। 1857 में जब अंग्रेज़ जो है मुसलमानों को अपने इताब का निशाना बनाते हैं तो उस पर हम फिर देखते हैं कि आगे फिर यानी कि मजहबी तौर पे भी उससे पहले जो है शाह वली अल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद बरेलवी अपना काम करते हैं और उसके बाद में जो है सर सैयद अहमद ख़ान का नाम जो है वो उभर कर सामने आता है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह हम अगले दो हिस्सों में इस सबक का इख्तिताम करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज़।